के साथ मैं हूं एसएस नासरी और इस वक्त जिस मुकाम पर मैं मौजूद हूं और जिस मुकाम के मैं शेयर कराना चाह रहा हूं आपको, ये वो मकाम है बल्तिस्तान की तारीख का एक अहम हिस्सा है, खरपोचो फोर्ट। खरपोचो फोर्ट के ऊपर जो मस्जिद तामीर किया गया था पुराने वक्तों में, वो अपनी हैयत खो चुकी थी और इसको दोबारा तामीर करने के लिए यहाँ पर काम जारी है। यहाँ पर इस मस्जिद पर जो काम हो रहे हैं वो मुकम्मल लकड़ी का काम हो रहा है। ये देखो आपको नज़र आएंगे, ये जो लकड़ी है इसके साथ छोटे छोटे जो पत्थर और इसके साथ जो गारा है मिट्टी के गारा, उससे ये मस्जिद तामीर किए जा रहे हैं। और इस मस्जिद की खास खसूसियत ये है कि ये डबल स्टोरी पर मुश्तमिल मस्जिद है और इस डबल स्टोरी पर मुश्तमिल मस्जिद के लिए नीचे मंजिल से ऊपर वाली मस्जिद के आने के लिए यहाँ पर ये बाहर के अलावा भी अंदर से दरवाजे रखे गए हैं, छत के जरिए यहाँ से भी नीचे जा सकते हैं। और इसके साथ साथ इसकी जो दीवारें हैं वो मुकम्मल तरीके से नेचुरल तरीके से बनाया गया है। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूँ कि इसकी जो खूबसूरती है जो खिड़कियों की, वो अपनी एक अलग जो ना डिज़ाइन से बनाई गया बनाई गई खिड़की है। इसके ऊपर जो नक्श जो निगार है वो भी पुराने ज़माने के हैं, कश्मीरी और ईरानी तर्ज के नक्श निगार यहाँ पर मुजयन किए गए हैं। और इसके जो छत की डिज़ाइन है वो भी मैं तो समझता हूँ कि ये पुराने ज़माने के जो आर्किटेक्चर है उनके का उनका कमाल है कि उन्होंने इस अंदाज से इसकी डिज़ाइनिंग कर दी है ताकि देखने वाले दंग रह जाए। तो जो दीगर शहरों से जो आने वाले जो हमारे मेहमान हैं या जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आप भी यहाँ पर तशरीफ़ लाएगा यहाँ और इस मस्जिद के सैर कर लीजिएगा। साथ साथ खरपोचो फोर्ट के सैर करने के साथ साथ जो खरपोचो फोर्ट में जो मस्जिद तामीर की गई है उस मस्जिद में आप ज़रूर आएगा, मस्जिद का विजिट कर लीजिएगा और मस्जिद में अगर हो सके तो 2 रकात नफिल की नमाज भी आप अदा कर लीजिएगा। अल्लाह ने कहा।